हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर श्यामलाल गुप्ता, लेक्चरर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज हम कुछ न्यूमेरिकल कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स करेंगे पॉलीमर की, जो जनरल एग्जाम, जो इस साल आपका पैटर्न जो एग्जाम का हुआ है उसमें आ सकती है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन, विच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन 66, यानी नायलॉन 66 के निर्माण में किस किस का उपयोग होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए नाइलॉन 66 के निर्माण में एक तो एडिपिक एसिड होता है, प्लस हेक्सामेथिलीन डायमीन होता है। इन दोनों के रिएक्शन से नाइलॉन 66 बनता है। तो आंसर इज ए एंड बी बोथ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, टेरिलिन में कौन सी लिंकेज पाई जाती है। मतलब टेरिलिन जब का टेरिलिन का निर्माण होता है तो उस दौरान जो दो यूनिट यानी दो मोनोमर एक लग इकाइयां जहां से जुटती है वहां लिंकेज एस्टर होती है। क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशन पॉलीमर, योगात्मक बहुलक का उदाहरण है। टेरिलिन के अंदर वाटर मोलिक्यूल बाहर निकलता है तो यानी कि ये कंडेंसेशन हो गया, संघनन। नायलॉन 66 में भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो ये भी कंडेंसेशन। बेकेलाइट में भी बाहर निकलता है, ये भी कंडेंसेशन। तो एक है पॉलीथीन, ये एडिशन पॉलीमर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर वो होते हैं जो गर्म करने पर, इनको गर्म किया जाए तो ये कठोर हो जाते हैं। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन 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 सा है, एग्जाम्पल देना है तो देखिए, पॉलीस्टाइरिन रेसा है, पॉलीओलिफिन, पॉलीओलिफिन को हम पॉलीथिन भी कहते हैं। तो ये पॉलीथिन पिघल जाती गर्म करने पर। नाइलॉन रेसा है, फिनोलिक रेजिन, फिनोलिक रेजिन कौन सा होता है, बेकेलाइट। तो बेकेलाइट कैसा होता है, थर्मोसेटिंग। तो आंसर इज फिनोलिक रेजिन। चलिए नेक्स्ट है, तो पहले इरेज कर देते हैं। द कमर्शियली नेम ऑफ पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट नाइट्राइल का कमर्शियल नेम क्या है, आपको याद रखना, और लोन इसको एक्रिलेन भी बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर नीड एटलीस्ट वन डाइन मोनोमर फॉर द प्रिपरेशन। मतलब ऐसा कौन सा पॉलीमर है जिसकी एक यूनिट, एक मोनोमर कम से कम डाइन, डाइन मतलब, डाइन का मतलब होता है ब्यूटा डाइन, और ब्यूटाडाइन से किसका निर्माण होता है, अगर याद हो तो आपको रबड़ का निर्माण होता है। तो आंसर इज ब्यूना, ब्यूना के अंदर बीयू का मतलब क्या होता है, ब्यूटाडाइन। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, ताप सुनम्य, जो गर्म करने पर, थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल पूछ रहा है, ताप सुनम्य जो गर्म करने पर कैसे हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा, पॉलीथीन, सिंपल नहीं होगा, बेकेलाइट नहीं हो सकता, ब्यूनाइन एक रबड़ का टाइप है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ फाइबर, रेसे का कौन सा एग्जांपल है, रेसे, रेसे से क्या बनते हैं कपड़े, टेफ्लोन, टेफ्लोन नॉन स्टिक कढ़ाई बनाने में या नॉन स्टिक तवा बनाने में काम आता है जो चिपकते नहीं है। ठीक है, नायलोन के क्या क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं, तो ये क्या है, रेसा है, फाइबर है, पॉलिएस्टर कपड़े बनते हैं, तो ये भी क्या है, रेसा। तो आंसर बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल एडिशन पॉलीमर, अगेन योगात्मक बहुलक का एग्जांपल कौन सा है। मैं थोड़ी देर पहले बताया था आपको, नाइलॉन में H2 बाहर निकलता है तो कंडेंसेशन, संघनन। बेकेलाइट में भी H2 बाहर निकलता है तो संघनन। टेफ्लोन का फॉर्मूला होता है CF2 का होलेन, एग्जैक्टली किसकी तरह है ये, हमारे पॉलीथीन की तरह। पॉलीथीन में F की जगह क्या होता है, H होता है, तो ठीक है, और यहाँ पर कोई H2O कोई भी अणु बाहर नहीं निकलता। तो योगात्मक बहुलक की डेफिनेशन क्या होती है,
ऐसे ही बहुलक जिनमें एक से अधिक इकाइयां आपस में जुड़ जाती है योग होकर, योग होती है तथा साथ में कोई साइड प्रोडक्ट नहीं निकलता, साथ में कोई उत्पाद नहीं, कोई सह उत्पाद नहीं बनता है, कोई सह उत्पाद नहीं बनता है, क्या कहलाती है टैफ एडिशन। तो सह उत्पाद यहाँ H2 बनता है, यहाँ भी H2 बनता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बनता। तो आंसर इज टेफ्लोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन। अब यहाँ कंडेंसेशन की डेफिनेशन क्या होगी, जिसमें एक लग इकाइयां जुड़ती है तो साथ में क्या निकलता है, छोटा अणु जैसे H2O NH3 ये बाहर निकलता है। ठीक है, तो बेकेलाइट में H2 बाहर निकलता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया है, टेफ्लोन में नहीं निकलता है। पॉलीक्लोरोप्रोपीन, अगर याद हो तो ये पॉलीक्लोरोप्रोपीन संश्लेषित रबड़ है, सॉरी पॉलीक्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CL CH डबल बॉन्ड CH2। जब इससे पॉलीमर बनता है तो सिंपली एडिशन होता है डबल बॉन्ड CH CH2 का होल एंड, यहाँ H नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एडिशन मैकेनिज्म के द्वारा बनता है, और पॉलीथीन भी एडिशन से बनता है। तो कौन सा आंसर हो गया, बेकेलाइट कंडेंसेशन का एग्जांपल है। विच ऑफ द मोनोमर ऑफ ब्यूना एस, ब्यूना एस का मोनोमर क्या है। तो ब्यूना के अंदर खुद के अंदर ही मोनोमर होते हैं। देखिए BU का मतलब होता है ब्यूटाडाइन, और NA का मतलब होता है सोडियम, और S का मतलब होता है स्टाइरिन, S का मतलब होता है स्टाइरिन, यानी कि सोडियम के ऊपर में ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन मिलकर के क्या बनाते हैं, ब्यूना एस। एग्जांपल देखिए, ब्यूटाडाइन एक्रिलनाइट्राइल नहीं होगा, ओनली ब्यूटाडाइन नहीं होगा, ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन इज राइट आंसर। ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, वल्कन रबर का वल्कनीकरण पर क्या होता है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, सही है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑक्सीडाइजिंग ये भी सही है, एंटी कोरोसिव हो जाता है ये भी सही है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट है, आपको कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड के अंदर मैच करना है मोनोमर से। कॉलम फर्स्ट में तो आपका बहुलक दे रखा है, ठीक है, बहुलक का नाम, और सेकंड में एक लग इकाई का नाम। चलो पहले है पॉलीथीन, पॉलीथीन का एकलक क्या होता है, एथीन, तो ये मैच खा गया इससे। ठीक है, सेकंड है टेफ्लोन, टेफ्लोन का क्या होता है मोनोमर, टेफ्लोन इस तरह से होता है, तो टेट्राफ्लोरो एथीन। ठीक है, टेट्राफ्लोरो यहां से, नेक्स्ट है नाइलॉन 6, इसका होता है कैप्रोलेक्टम, यहाँ से नेचुरल रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है, याद होना चाहिए। 5 पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, कौन है इसका, एक्रिलो नाइट्राइल, यानी कि यहाँ, तो ये इस तरह से इसके मोनोमर है। तो पॉलीथीन का मोनोमर तो कौन है, एथीन, टेफ्लोन का टेट्राफ्लोरोएथीन, नाइलॉन 6 का कैप्रोलेक्टम, नेचुरल रबर का आइसोप्रीन, और पान यानी कि पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का एक्रिलोनाइट्राइल। विच ऑफ द मोनोमर ऑफ बेकेलाइट, बेकेलाइट का मोनोमर क्या है, बेकेलाइट आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बेकेलाइट बनता है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड एक्शन से। तो फर्स्ट आंसर फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, विच ऑफ द फर्स्ट मैन मेड सिंथेटिक पॉलीमर, बेकेलाइट ये याद रखें आप, एग्जाम में आ सकता है ये। फर्स्ट सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है जो मैन मेड द्वारा बनाया गया है, बेकेलाइट। चलिए नेक्स्ट है, अब आपको इसके अंदर कॉलम फर्स्ट के अंदर पॉलीमर का नाम दे रखा है और आपको सेकंड से इसकी स्ट्रक्चर को मैच करना है, फर्स्ट की स्ट्रक्चर को सेकंड से मैच करनी है आपको, यानी कॉलम फर्स्ट में जो उसका नाम दे रखा है पॉलीमर का, तो यहाँ तो बहुलक है और यहाँ उसकी संरचना है। ठीक है, पॉलीथीन,
ये होता है पॉलीथीन का, ठीक है। टेफ्लोन, पॉलीथीन की जगह क्या जाएगा, एफ, एच की जगह एफ, टेफ्लोन। नाइलॉन डबल सिक्स, नाइलॉन डबल सिक्स का एग्जांपल स्ट्रक्चर क्या है, ये वाली सीओ सी एच टू का ऑल फाइव एन, ये स्ट्रक्चर होती है नाइलॉन। नेचुरल रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, यानी कि ये आइसोप्रीन क्या होती है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। अगर इससे पॉलीमर बनेगा तो डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया। पान, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, ये एक्रिलो नाइट्राइल से बनता है, ठीक है। तो पॉलीथीन की तो ये हो गई, टेफ्लॉन की ये हो गई, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल की ये हो गई, नाइलॉन सिक्स की ये हो गई, और ये पॉली आइसोप्रीन यानी नेचुरल रबर। नेक्स्ट है द पॉलीमर यूज फॉर ऑप्टिकल लेंस, ऑप्टिकल लेंस बनाने के लिए कौन सा यूज में आता है, तो ये याद रखें आप, पम्मा, पॉलीमेथिल मेथैक्रिलेट, इसको पम्मा भी बोलते हैं, पॉलीमेथिल मेथैक्रिलेट, ठीक है। पम्मा का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे कोई भी, और पम्मा का यूज क्या है, ऑप्टिकल लेंस बनाने में काम आता है, और क्या यूज है, नाम की शॉर्ट फॉर्म क्या है, पम्मा, पी ए डबल एम ए, पम्मा, ठीक है। पॉलीमेथिल मेथैक्रिलेट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज वल्केनाइजेशन के लिए किसका यूज किया जाता है, तो वल्केनाइजेशन के लिए सल्फर या एच टू एस का यूज किया जाता है, तो सल्फर हो गया, एच टू एस गैस हो गया, बोथ आंसर इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट है, फर्स्ट कॉलम में स्ट्रक्चर दे रखी है, सॉरी पॉलीमर का नाम दे रखा है, सेकंड कॉलम में उसकी स्ट्रक्चर दे रखी है, आपको टेली करना है। टेरिलिन की स्ट्रक्चर, टेरिलिन की स्ट्रक्चर ये होती है, किससे बनता है ये, टेरिलिन बनता है एथिलीन ग्लाइकोल, प्लस टर्फेलिक एसिड, एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है एच ओ सी एच टू सी एच टू ओ एच, और टर्फेलिक एसिड होता है सी डब्ल्यू एच और सी डब्ल्यू एच, ये आपस में यहाँ से रिएक्शन करते हैं, इसी तरह यहाँ से, इस तरह यहाँ से, तो क्या बनता है, ये बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है नाइलॉन डबल सिक्स, तो छह छह कार्बन की पुनरावृत्ति यहाँ पर हो रही है, तो यानी कि नाइलॉन डबल सिक्स। नेक्स्ट है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जैसे पॉली एक्रिलो नाइट्राइल था उसमें सी एन की जगह सी एल होता है, तो ये वाला सी एन की जगह क्या होता है, सी एल, ठीक है। ब्यूना एन, ब्यू यू फॉर ब्यूटाडाइन, एन ए फॉर सोडियम, एन फॉर एक्रिलो नाइट्राइल, तो एक्रिलो ब्यूटाडाइन और एक्रिलो नाइट्राइल का ये कॉम्बिनेशन याद रखें आप। ब्यूना एस, ब्यूटाडाइन, स्टाइरिन और सोडियम, तो स्टाइरिन, ये स्टाइरिन होती है ये, और ये हो गई ब्यूटाडाइन वाला कॉम्प्लेक्स, इसी तरह यहाँ ब्यूटाडाइन वाला ये हो गया, और ये एक्रिलो नाइट्राइल वाला, जैसे ऊपर एक्रिल वाइनिल क्लोराइड था, जैसे सी एल की जगह क्या है, सी एन है, क्या, ठीक है। ब्यूटिल रबड़ का ये होता है, ब्यूटिल देखिए आइसो ब्यूटिल से बनता है ये, सी एस टू सी सी एस, आइसो ब्यूटिल स्ट्रक्चर होती है ये। नियोप्रिन, क्लोरोप्रिन को नियोप्रिन ही बोलते हैं, जबकि आइसो जैसे नेचुरल रबड़ में आइसोप्रीन था, सी एस थ्री था, उसकी जगह यहाँ क्या होता है, सी एल होता है, ये स्ट्रक्चर, तो ये आपस में टैली होती है। तो स्ट्रक्चर आपको याद होनी जरूरी है, ताकि ये कल को एग्जाम में आ जाए तो स्ट्रक्चर टैली कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, आप करिए इनको, रिपीट करिए, हो सकता है इनमें से एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आए आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पॉलीमर के बारे में और पढ़ेंगे। थैंक यू।